हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आपने जो पिछला चैप्टर है उसे देखा होगा। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंडल के जो तीन लॉज थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि टीचर ट्यूब की जो टीम है उन्होंने डिसाइड किया है कि आपके सभी चैप्टर के वीडियो एक बार फिर से तैयार किए जाएंगे, ताकि वो बच्चे भी बेनिफिट्स उठा सकें जिन्होंने बाद में आपको ज्वाइन किया है। तो एक बार फिर से ये खुशखबरी आप सब तक पहुंचा रहा हूं मैं। और टीम ने डिसाइड किया है कि पूरा सिलेबस जो है वो करवाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे और कुछ मॉडल आंसर उनके कैसे लिखने हैं वो कुछ आंसर स्क्रिप्ट्स भी आपको दिखाई जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। तो ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। आप बने रहिए चैनल के साथ और एंजॉय करने के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसा कि हम करते हैं, कि सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल अपने साथ में रखिए। और जो चीजें आपके यहां समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, जो आपको लगता है कि ये नोट करने लायक है उसे आप नोट करके रखिए। और वीडियो के एंड में जब सारी चीजें फिनिश हो जाएं उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से लेकर, वैसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे छोड़ा जाएगा, फिर भी आपको लगता है कि कोई चैप्टर कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आपकी जो क्वेरीज हैं उनका जरूर समाधान किया जाएगा। और यहां हम लेकर आ रहे हैं फिर से चैप्टर नंबर 9 का ये सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट, यस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंडल ने जो ना काम किया बड़े ही सिस्टेमेटिक तरीके से किया है। जब हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग की, तो मोनो मींस वन। उन्होंने क्या किया, केवल एक ट्रेट को ध्यान में रखते हुए और क्रॉसिंग करवाई और उसके रिजल्ट्स का ऑब्जर्वेशन अपने ऑब्जर्वेशन शीट में नोट कर लिया। तो इससे उनको फायदा यह मिला कि एवरीथिंग वॉज इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये हमें भी करना चाहिए, जब भी हम कोई काम करते हैं सीक्वेंस होनी चाहिए हमारी, और चीजें जो हैं पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। ये उन्होंने सिखाया और उसे हमें ये सीखते भी हैं, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जब पहला जो उन्होंने जो लॉ दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग की, जो समझाया है, इनमें समझाया कि उन्होंने एक सिंगल ट्रेट के लिए और क्रॉसिंग करवाई। सिंगल ट्रेट उन्होंने लिया टॉल पी प्लांट का, फॉर एग्जाम्पल। ये आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन जो पहला जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज टॉल पी प्लांट के बारे में, ठीक है। टॉल पी प्लांट को क्रॉस करवाया गया है एक शॉर्ट पी प्लांट से। सो टॉल और शॉर्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रेड्स हैं। जब इन ऑपोजिट ट्रेड्स वाले प्लांट में क्रॉसिंग करवाई जाती है तो क्या रिजल्ट आते हैं वो यहां पर हम देखते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जब टॉल पी प्लांट को शॉर्ट पी प्लांट के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, तो जो फर्स्ट जेनरेशन है, फर्स्ट जेनरेशन में सभी प्लांट जो है टॉल कैरेक्टर वाले आते हैं। इट मींस टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो डोमिनेंस और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले पिछला वीडियो देखें, तो ये वीडियो ज्यादा अच्छे से आपके समझ में आएगा। इसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट जेनरेशन में जो प्लांट मिले सभी एक जैसे थे, सबकी हाइट एक जैसी थी, और उनमें क्या जीनोटाइप है वो मैं आगे आपको करके बताऊंगा। उससे पहले आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि फर्स्ट जेनरेशन के जो प्लांट्स मिले उनमें फिर उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन करवाया, और सेल्फ पोलिनेशन से ये फायदा था, क्यों करवाया, क्योंकि दूसरे जो इम्प्योर कैरेक्टर वाले कुछ चीजें और ना आ जाए हमें, इसलिए उन्होंने टॉल पी प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट से जो
फर्स्ट जनरेशन मिली है उसी के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई, और क्रॉसिंग करवाने से जो एफ टू जनरेशन हमें मिलती है, तो एफ टू जनरेशन में उन्होंने बताया है कि रेशियो जो मिलता है, जो दिखाई दे रहे हैं प्लांट जिनको बोलते हैं फिनोटाइप, तो फिनोटाइप उसका आता है 3:1 एंड जीनोटाइप उसका आ जाता है 1:2:1। व्हाट इज दिस, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप यहां तक समझिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप मींस जो जीन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो पेयर बने हुए हैं ट्रेट्स के, उनको हम जीनोटाइप कहेंगे, और फिनोटाइप जो फिजिकली कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं उनको कहते हैं हम फिनोटाइप। तो यहां अब हम करके देखेंगे इसको किस तरह से ये जो क्रॉस है, चेकर बोर्ड जिसको बोलते हैं, उस पर किस तरह से हम इनको आगे लिखते हैं। तो यहां एक चेकर बोर्ड आपके सामने बनाया गया है, हालांकि ये येलो प्लांट और ग्रीन प्लांट के लिए, ग्रीन बीज के लिए है, सीड के लिए है, बट सेम वे इट विल क्रॉस इट। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां हम देखते हैं कि एक टॉल पी प्लांट जिसमें कि ट्रेट्स जो होंगे दोनों कैपिटल टी रखे जाते हैं, और शॉर्ट जो पी प्लांट है उसमें दोनों स्मॉल टी कैरेक्टर के थ्रू शो करते हैं, हम स्मॉल टी लेटर के थ्रू शो करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन में दोनों जो एलील हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और गैमेट बनाएंगे, और गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब हम इनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं तो नई जनरेशन F1 जनरेशन हमें मिलती है, और इसमें जो प्लांट होंगे उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप सब सेम ही होता है। आप देख रहे हैं कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आई जनरेशन है, दिस इज द F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर अलाइक, सभी प्लांट एक जैसे ही हैं। हालांकि अगर इनको फिनोटाइप में देखें तो ये इम्प्योर टॉल इनके कैटेगरी में हम इनको रखते हैं, इम्प्योर टॉल। तो फिर प्योर टॉल क्या होंगे, प्योर टॉल विल कैरी बोथ द कैपिटल टी कैरेक्टर, ओके। और इम्प्योर में एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। हम कहेंगे कि इसको इम्प्योर स्मॉल क्यों नहीं कह रहे, इम्प्योर स्मॉल इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि स्मॉल जो कैरेक्टर है, स्मॉल जो ट्रेट है, दैट इज रेसेसिव ट्रेट, वो छुप जाता है, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। अब बात करते हैं कि F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिले हैं तो सभी एक जैसे ही हैं, ऑल द प्लांट्स कैरी वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी ट्रेट। अब यहां भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इस तरह से इनके गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे। तो ये गैमेट हमने बना दिए, इनको हम यहां पर लिखेंगे गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट हमारे पास बन गए हैं। अब इनके बीच होगी क्रॉसिंग, जब इनके बीच क्रॉसिंग करवाते हैं तो देखो इधर से ये कैपिटल टी आया है और इधर से भी क्या आया है, कैपिटल टी, इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें दोनों कैपिटल टी आ रहे हैं। इसके बाद यहां हम इनके बीच में जब क्रॉसिंग होगी, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो क्रॉस करेंगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का पेयर यहां पे बनेगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में करवाएंगे तो यहां भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का पेयर यहां पे बनने वाला है। अब बात करते हैं हम लास्ट पेयर की, तो लास्ट पेयर में ये इस तरह से दोनों ही जो टी हैं वो स्मॉल टी यहां पर आ जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो कि ये प्योर टॉल प्लांट है, प्योर टॉल, ये प्योर शॉर्ट है, एंड दीज टू आर इम्प्योर
टॉल। आई थिंक आपके समझ में आया है। अब इनको जीनोटाइप और फिनोटाइप हम लिखते हैं, तो हमें जो प्लांट्स मिले हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी एक, कैपिटल टी वन, कैपिटल टी और स्मॉल टी जिसे इम्प्योर कह रहे हैं ये हैं, ये वन है, ये हैं हमारे टू, और स्मॉल टी जो हैं वो हमारे वन हैं। सो इनका जो रेशो बनता है 1:2:1, ये है जीनोटाइप रेशो। इसको कहेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सेकेंड जेनरेशन का जीनोटाइप रेशो। गॉट इट। एंड इसका फिनोटाइप रेशो क्या होगा, फिनोटाइप, तो देखो ये टॉल इम्प्योर टॉल है, नहीं ये प्योर टॉल और ये इम्प्योर टॉल, तो हैं ये सारे क्या हैं, टॉल ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए टॉल हो जाएंगे 3 और स्मॉल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा जो फिनोटाइप रेशो होगा वो 3:1 होगा। ठीक है। सो ये था हमारा सिंगल या मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग। नाउ अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की। डाई मीन्स टू, ये हमें पहले ही पता है, डाई मीन्स दो होता है। सो डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में हम दो ट्रेट्स को एक साथ कैलकुलेट करके लेकर जाएंगे और दोनों ट्रेट का स्टडी करेंगे। दोनों ट्रेट मीन्स ऐसा प्लांट लेंगे जिसके दो ट्रेट्स को हम स्टडी करें। तो यहां पर हमने लिया एक शेप प्लांट का और एक ले लिया उसका कलर, सीड का कलर, प्लांट का शेप और सीड का कलर हमने लिया है। तो यहां शेप में जो हमने लिया उसमें दो एलील हैं, एक होगा राउंड और दूसरा होगा रिंकल्ड। राउंड को हमने लिखा है कैपिटल आर से और रिंकल्ड को हमने लिखा है स्मॉल आर से। दूसरा कलर हमने जो लिया है, तो कलर में एक जो हमने लिया है येलो कलर और दूसरा लिया है ग्रीन। तो येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए इसको वाई से, कैपिटल वाई से लिखा है, और ग्रीन ट्रेट जो है वो स्मॉल ट्रेट से लिखा है क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। तो हमारे पास जब इन प्लांट के बीच में हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्रॉसिंग से जो F1 जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन में सभी प्लांट एक जैसे होंगे, जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग में देखा था। सभी प्लांट कैसे होंगे, जो डोमिनेंट ट्रेट्स रख रहे हैं वही होंगे। कैसे होंगे, राउंड और येलो सीड वाले प्लांट होंगे F1 जनरेशन में। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में पहुंचते हैं और F2 जनरेशन के प्लांट्स में काउंटिंग करते हैं तो वहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो है वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब यहां देखने की बात है कि किस तरह से ये फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बनता है, इसे चेकरबोर्ड के थ्रू हम समझेंगे। और यहां पर जो रेशियो आएगा हमारा 9:3:3:1 आता है। और इसी रेशियो को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इस रेशियो को आप लिखिए और समझाइए, प्रूव करके दिखाइए चेकरबोर्ड के थ्रू। और तो चलिए इसी रेशो को हम यहां पर समझते हैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। हम देख रहे हैं यहां पर टू पेयर्स ऑफ ट्रेट के बीच में जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे। तो हमने यहां पर ले लिया राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड के बीच, प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। तो देखते हैं F1 जनरेशन किस तरह से चलती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन होता है इनका। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों ट्रेट एक एक साथ आ जाते हैं, दोनों ट्रेट। एवरी गैमेट में दोनों टाइप के जो ट्रेट्स हैं वो शेयर हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है। अब बात करते हैं इनके बीच क्रॉसिंग की। तो क्रॉस करवाते हैं, क्रॉसिंग जब करेंगे तो देखो कैपिटल आर
और इसके साथ स्मॉल आर, क्योंकि दोनों आर को एक साथ रखेंगे हम, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इनको एक साथ रखेंगे, तो एक ट्रेट इस तरह से बना। दूसरा पेयर जो बनेगा वो इस तरह से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और अगेन स्मॉल वाई। यहाँ पर जो दूसरे प्लांट से करते हैं, दूसरे सीड्स इस तरह से होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फिर से यहाँ पर इनको इस तरह से हम कैपिटल आर को पहले लिखेंगे, स्मॉल आर को बाद में लिखेंगे, कैपिटल वाई पहले और स्मॉल वाई को बाद में। एक्चुअली वैसे हम लिख कैसे भी सकते हैं, बट वही बात ना सीक्वेंस की और सिस्टमेटिक तरीके से चलने की। अगर हम किसी भी टाइप से लिख देंगे तो हम भूल जाएंगे और बाद में चलकर हमें पता नहीं चलेगा हमने कौन सा सिस्टम फॉलो किया था, किस तरह से हम लिख रहे थे। तो जो नहीं लिखना था वो दो बार लिख देंगे, जो लिखना था उसे एक ही बार लिखेंगे, तो इस तरह से हमारी रिजल्ट्स जो हैं वो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ये F1 जनरेशन आ गई है, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं, इसमें देखो एक डोमिनेंट ट्रेट है दोनों तरफ से और एक एक रेसेसिव ट्रेट्स हैं, इसलिए रेसेसिव ट्रेट तो हिडन हो जाएंगे और डोमिनेंट ट्रेट्स ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं राउंड एंड येलो, तो सभी जो सीड्स होंगे, सभी जो प्लांट्स होंगे वो राउंड एंड येलो टाइप के सीड्स होंगे। अब जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स आ गए हैं हमारे पास, उनके बीच क्रॉसिंग करवाते हैं, तो यहाँ राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो सीड्स आए, देखो सॉरी पहले हम लेंगे ये प्लांट्स, यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर से यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे, ये था हमारा F1 जनरेशन के लिए, इसको हम अभी के लिए रख देते हैं। हाँ F2 जनरेशन के लिए अब हमारे पास जो प्लांट्स आ रहे हैं, दैट इज फर्स्ट वन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। आई थिंक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और यहाँ से फिर बनेंगे गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन में किस तरह से हम बनाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक बार, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर लेंगे हम स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, और सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे सेकंड के लिए भी। कैपिटल आर इसको हम कलर दूसरा दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में, समझ में आएगा ज़्यादा। कैपिटल आर और कैपिटल वाई दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, कैपिटल आर स्मॉल वाई का तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई का और स्मॉल आर स्मॉल वाई का नंबर 4 पे बनेगा। अब इन्हीं सभी ट्रेट्स को जो है हम, ये जो हमारे गैमेट्स बन गए, गैमेट्स के बीच में हम क्रॉसिंग करवाएंगे। क्रॉसिंग के लिए हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं और चेकर बोर्ड में इन सभी को नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, ये दिखेगा नहीं, ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ से नहीं, एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई को यहाँ रखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई को रखेंगे यहाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से उठाएंगे, चूँकि सेम ही है तो कहीं से भी उठा सकते हैं, और सेम टाइप के पेयर यहाँ पे बने हुए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अब इन सब के बीच में हम क्रॉसिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग करते हैं तो कैपिटल आर के साथ में कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल वाई इस तरह से बनेगा, फिर कैपिटल आर के साथ में फिर से कैपिटल आर सेकेंड नंबर पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ देखो ये कैपिटल स्मॉल वाई है इसलिए यहाँ पर स्मॉल वाई आ जाएगा।
थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं। चलो यहाँ पे बड़ा बनाएंगे, चेकर बोर्ड थोड़ा बनाता है, दोबारा बनाता हूँ मैं। चलो इस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है। और इसमें 4 बॉक्सेस बना देंगे हम, एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा। तो ये 4 बॉक्स बने, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इस तरह से हम 5-5 बॉक्स का एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें से एक बॉक्स जो है हमारा लिखने के काम आएगा हेडिंग्स को, और बाकी के काम हमारे रिजल्ट्स लिखने के काम आएंगे। तो हमने जो लिखे थे हेडिंग्स में, इधर आया था कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम चीज़ें लेफ्ट साइड में हम वाई एक्सिस पर रख देंगे इस तरह से। इस तरह से गॉट इट। अब इनके बीच में हम करवाएंगे क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग कराते हैं तो रिजल्ट्स इस तरह से देखें, इन दोनों के बीच में करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई के बीच में। पहले दोनों कैपिटल आर को लिख लेंगे और कैपिटल वाई को लिख लेंगे, फिर इसके बीच में और इसके बीच में लिखेंगे। तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई बाद में, दोनों कैपिटल आर हैं एक साथ लिख देंगे, यहाँ पे वाई कैपिटल स्मॉल वाई इधर है तो इनको ऐसे लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा तीसरे नंबर का बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स को थर्ड नंबर से यहाँ पे हम बॉक्स नंबर डाल देते हैं, तो बोलने में थोड़ा सही रहेगा, ए बी सी और डी। सो A1 2 3, A1 को, ए को हम क्रॉसिंग करेंगे 3 के साथ में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ही हमारा रहेगा। फिर 4 के साथ, ए को 4 के साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरह से हमारे बनते हैं। नंबर 2 पे आ जाएं, बी को 1 के साथ जब करेंगे क्रॉसिंग तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बी को 2 के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, बी को 3 के साथ जब करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, बी को 4 के साथ करें कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब नंबर आता है सी का, सी को 1 के साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, सी को 2 के साथ में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सी को 3 के साथ में दोनों स्मॉल आर एंड बोथ कैपिटल वाई, सी टू 4 बोथ आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई हम रखेंगे। फिर डी को 1 के साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई रहेगा, डी को 2 के साथ में कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, डी को 3 के साथ में जब करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, एंड डी को 4 के साथ कर रहे हैं तो ये आएगा हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, इस तरह से। अब हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से रिजल्ट लें। तो रिजल्ट हम लेंगे पहले नंबर का, इस बॉक्स में से उठा लेंगे और जितने भी हैं ऐसे उन सबको हम नोट कर लेंगे, कितने होंगे उनको सबको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल आर वाई और वाई, इसका मतलब सारे ऐसे ही नहीं होने चाहिए, हमें ये देखना होगा कि कम से कम एक कैपिटल आर होगा और कम से कम एक कैपिटल वाई होगा, उसी बॉक्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट वन इज हियर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ए भी इसमें भी है एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, यहाँ पर भी हैं, ये भी हैं, यहाँ पर भी एक वाई कैपिटल मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे मिल गया एक आर और एक वाई कैपिटल मिल गया, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल गया है देखिए, यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ नहीं मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे और मिल गए हैं, यहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो अब काउंट करेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
सो हमारा कैपिटल आर का रेशो आ गया है 9। अब हम कैलकुलेट करते हैं जो बचा हुआ है इसको, यानी कि एक कम से कम कैपिटल आर होना चाहिए और वाई दोनों स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। ये काउंट करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई में एक कोई भी कैपिटल होना चाहिए लेकिन वाई दोनों कैपिटल स्मॉल होने चाहिए, तो एक तो हो गया। दूसरे देखेंगे ये वाला आता है, ये कैलकुलेट करिए 2, फिर देखो और कुछ होता है ऐसा, यस इट इज हियर, यहाँ 3 हो गए, सो ये 3 हो गए। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई मींस दोनों स्मॉल आर होने चाहिए और वाई में से कम एक वाई कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ से शुरू होगा, वो यहाँ से एक तो ये हो गया हमारा और एक ये मिल गया 2 और एक ये मिल गया 3, ये 3 मिल जाते हैं और लास्ट का जो बच जाता है, जो बचा हुआ है हमारा, दैट इज स्मॉल आर और स्मॉल वाई इसका 1। तो हमारा जो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशो आ जाता है, फिनोटाइप रेशो दैट इज इक्वल टू 9:3:3:1 आता है। और यही बात मेंडल साहब ने बताई थी और हमने चेकरबोर्ड के थ्रू इसको करके देखा है। आप भी एक बार दो बार इसे करके देखें, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा एंड आप इसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप करेंगे इसको, वीडियो को एक बार दो बार आप पॉज करके और रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग का जो चेकर बोर्ड है वो कंप्लीट होता है। तो हमने आज देख लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग को और डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग की चेकर बोर्ड पर कैसे उनको बनाया जाता है। सो इस वीडियो में यहीं तक हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो टॉपिक्स इस चैप्टर के बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, जहां कोई डाउट है प्लीज कमेंट करके बताएं और अपने जो सजेशंस हैं और जो कोई क्वेरीज हैं वो भी जरूर रखें। चलिए, हैव ए नाइस डे, बाय।